गाइस हाय, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ शाइनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ एक हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो, सैलॉन स्ट्रेटेड हेयर, केमिकली ट्रीटेड हेयर, उनको आप टेक केयर कैसे करें। आप घर पे आप सैलॉन में जाकर हजारों रुपए खर्च करते हैं रीबॉन्डिंग और हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए, बट घर पे जब आते हैं कुछ दिनों बाद अल्टीमेटली हेयर टेक्सचर काफी ज्यादा खराब हो जाता है, हेयर क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है एंड हेयर में कोई शाइन नहीं रहता, हेयर हेल्थ पर काफी इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो सिचुएशन है इसे अवॉइड करने के लिए आपको घर पे एक अच्छा शैम्पू, अच्छा कंडीशनर और एक अच्छा हेयर सीरम, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेयर को स्ट्रेंटेड रखने में, मैनेजेबल रखने में, एक हेयर सीरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैं कुछ दिनों से इस्तेमाल कर रही हूँ लॉरियल प्रोफेशनल एक्सटेंसो केयर रेंज। इस रेंज में तीन सिंपल स्टेप्स है, पहला है शैम्पू, सेकेंड इज हेयर मास्क एंड थर्ड इज हेयर सीरम। सबसे पहले लेट मी टॉक अबाउट दिस शैम्पू। इसका जो पैकेजिंग है वो आप देख सकते हैं, बहुत ही क्लासी इसका पैकेजिंग लगा मुझे, व्हाइट एंड ब्लू में है एंड इस तरह से ये बॉटल ओपन होता है, यू हैव टू प्रेस हियर एंड इट गेट्स ओपन। और ये जो शैम्पू है ना, इसमें प्रो केराटिन है एंड ये ब्रेकेज को प्रिवेंट करता है, ड्राइनेस को प्रिवेंट करता है। सिर्फ ये हेयर को अच्छी तरीके से क्लीन ही नहीं करता, बट हेयर को काफी ज्यादा यू नो मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल क्लीन करता है कि मतलब हेयर को बहुत ज्यादा ड्राई बना देगा, बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं है। इनफैक्ट ये हेयर में काफी ज्यादा वॉल्यूम भी एड करता है। जस्ट लुक एट द कंसिस्टेंसी, आई लव द कंसिस्टेंसी ऑफ दिस शैम्पू, क्योंकि बहुत ही ज्यादा थिक इसका कंसिस्टेंसी है एंड इजिली ये लैदर अप हो जाता है। सेकेंड स्टेप इज दिस हेयर मास्क। ये कोई हेयर कंडीशनर नहीं है, ये एक हेयर मास्क है जो इंटेंसली आपके हेयर को मॉइस्चराइज करेगा, बहुत ही ज्यादा हेयर को सॉफ्ट एंड मैनेजेबल बना देता है ये हेयर मास्क। आई पर्सनली लव यूजिंग दिस हेयर मास्क। ये है लॉरियल प्रोफेशनल एक्सटेंसो केयर मास्क। इसमें भी प्रो केराटिन है एंड इसका भी फॉर्मूला है एंटी ब्रेकेज एंड एंटी ड्राइनेस फॉर्मूला। ये हेयर से जो ड्राइनेस है, जो फ्रिजीनेस है, उसे दूर करेगा एंड हेयर को काफी ज्यादा मॉइस्चराइज्ड, मैनेजेबल एंड वॉल्यूमिनस बनाता है। आई पर्सनली लव यूजिंग दिस हेयर मास्क, मेरा फेवरेट है एंड इसे इस्तेमाल करना भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। पहले आपको इस्तेमाल करना है ये शैम्पू एंड हेयर को आप थोड़ा सा शैम्पू से वॉश करने के बाद ना, आप थोड़ा सा इस तरह से हेयर को स्क्वीज कर देना ताकि जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाए एंड देन आपको इस्तेमाल करना है अपने वेट हेयर पर ये हेयर मास्क। इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही ज्यादा क्रीमी एंड बटरी इसका टेक्सचर है। फिर उसे अपने फिंगर टिप्स में आपको लेना है एंड इस तरह से जैसे आप कॉम करते हैं ना, उस तरह से अपने फिंगर की मदद से इसे अपने होल हेयर पर इस तरह से अप्लाई करना है। इस तरह से अप्लाई जब आप करेंगे ना इसे कॉम करते हुए, तो ईच हेयर स्ट्रैंड पर एप्लीकेशन अच्छी तरह से होगी एंड हेयर बहुत ही ज्यादा मॉइस्चराइज्ड एंड नरिश्ड फील होती है आफ्टर यूजिंग दिस। जस्ट एक बार आप इस्तेमाल करेंगे इस एंटायर रेंज को एंड फिर आपको रिजल्ट नजर आएगा। डेफिनेटली आपके हेयर क्वालिटी, हेयर टेक्स्चर, हेयर हेल्थ काफी इंप्रूव करता है। लास्ट एंड जो फाइनल स्टेप है इस हेयर केयर रिजीम का, वो है ये लॉरियल प्रोफेशनल एक्सटेंसो केयर हेयर सीरम। ये एंटी फ्रिज है, एंटी ब्रेकेज, एंटी ड्राइनेस हेयर सीरम है, जो कि हेयर पे काफी ज्यादा शाइन ऐड करता है एंड द बेस्ट पार्ट है इसकी, ये स्ट्रेटेंड हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है, हेयर को स्ट्रेट रखने में मदद करता है। ये एंटायर रेंज इसका जो मेन पर्पस है वो है कि सैलॉन स्ट्रेटेड हेयर को ये स्ट्रेट रखेगा घर पे, अगर आप इस एंटायर रेंज को रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करेंगे तो। और इनफैक्ट अगर आपको वैसे भी स्ट्रेट हेयर पसंद है तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हैं इस रेंज को, क्योंकि ये आपके हेयर को बहुत ही ज्यादा मैनेजेबल एंड स्ट्रेटेंड रखता है। अब इस हेयर सीरम को किस तरह से इस्तेमाल करना है, जब आपने शैम्पू मास्क अप्लाई कर लिया है उसके बाद हेयर को अच्छी तरीके से टॉवल ड्राई कीजिए, लेकिन हाँ ब्लो ड्राई या फुल ड्राई मत कीजिए, जस्ट टॉवल ड्राई कर लीजिए और टॉवल ड्राइड हेयर पर आप इसे अप्लाई कीजिए। जस्ट 2 to 3 पंप्स लीजिए अपने हैंड पर एंड इसे अच्छे से रब कर लीजिए एंड देन जस्ट रन थ्रू योर हेयर लेंथ। इसे स्कैल्प पर बिल्कुल भी ना अप्लाई करें, जस्ट हेयर लेंथ पर हल्के हाथों से अप्लाई कर लीजिए, फोकसिंग ऑन योर एंड्स, क्योंकि एंड्स पर ज्यादा फ्रिजीनेस, ड्राइनेस एंड स्पिटेंस की प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, विच इज वाई हेयर उतना ज्यादा स्ट्रेट एंड मैनेजेबल नहीं दिखता है। सो मेरा जो कंक्लूजन है अबाउट दिस एंटायर रेंज इज दैट, अगर आपको स्ट्रेट हेयर पसंद है, अगर आपने सैलॉन में जाकर हजारों रुपए खर्च की है हेयर स्ट्रेटनिंग और रीबॉन्डिंग के लिए या फिर केमिकली ट्रीटेड हेयर है आपके, देन डेफिनेटली यू शुड ट्राई दिस
हेयर केयर रेंज, क्योंकि इस हेयर केयर रेंज को इस्तेमाल करने के बाद आपको डिफरेंस नजर आएगा। आपकी हेयर क्वालिटी काफी इंप्रूव होती है, हेयर हेल्थ काफी इनहांस होता है, इनफैक्ट हेयर बहुत ही ज्यादा नरिश्ड एंड हेयर बहुत ज्यादा सिल्की सॉफ्ट एंड मैनेजेबल हो जाती है। सो एक बार आप डेफिनेटली इस हेयर केयर रेंज को ट्राई कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने लिंक प्रोवाइड किया है। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।